ठीक है। देखो एम के डी आई आर, सबसे पहले फाइल सिस्टम को बाद में बनाते हैं, पहले डायरेक्टरी का बैकअप लेके बता दो तुमको। ओके सीडी स्पेस स्लैश पी एम के फाइल इतनी सारी एमके फाइल बना दी मैंने। ओके सर एक बार आप नीचे जाके देख लेना, एक बार चले आना दो मिनट के लिए, ठीक है। एमके फाइल बना दी। व्हाट इज द मीन ऑफ एमके फाइल? एमके फाइल मीन साइज फाइल, मीन्स 20 MB। अब देखो साइज कैसे चेक करते हैं, एक ये भी कमांड होती है du -SH space। आज टी-शर्ट कब आएंगे? कब आएंगे? तो क्यों? क्यों? सैटरडे को पहन के आनी है, मुझे नहीं पता। सैटरडे को पहन के आएगा। ठीक है फाइल बन गई। अभी देखो, अभी उस दिन हमने तुमको टार कमांड का यूज भी बताया था, ठीक है। टार हाइफन cbf, cbf का मतलब क्या है? क्रिएट वर्बेज फोर्सफुली स्लैश पी टार नेम पी डॉट टार स्लैश टार, तो अपने आप डिफॉल्ट ले लेता है। डिफॉल्ट भी ले लेता है, लेकिन मैंने नेमिंग कन्वेंशन असाइन कर दी ना, डिफॉल्ट तो ले ही लेता है वो। उसकी बात मेरा नाम कितने पढ़ते लेते हैं ये लोग, तो मैं देख मुझे मरवा, मतलब नहीं चाहते कि मैं थोड़े दिनों रहूं इधर। डिलीट कर दिया, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है बता दिया था ना। अब इसको रिस्टोर कैसे कराएंगे? टार हाइफन tvf से देख लो स्लैश पी डॉट टार, इसके अंदर इतना इतना डेटा है, इसको रिस्टोर करना तुमको आता ही है। क्या है पी डॉट टार? ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे बोलना प्रॉब्लम हो तो। कोई नहीं प्रॉब्लम, तो ये पी में ही गया ना ये तो? हाँ ये पूरा पी में पे रोल लॉक हो गया, बैकअप ये रिस्टोर हो गया। ये समझ में आया रिस्टोर तक? ठीक है पी बन गया, आ गया। अब rm पी डॉट टार को डिलीट कर लो, कर रहे हो रहने दो। ठीक है अब बात करते हैं कि फाइल सिस्टम फॉर्मेट, एक अपन क्या करते हैं, एक जीरो पे फाइल सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं कोई, ठीक है। फाइल सिस्टम ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है, USR का तुमने कर रखा है, उसमें कौन आ रहा है? तो माउंट है क्या? नहीं है चलो ठीक है, तो मैं दे दो ना, कोई नहीं कल क्लियर कर लेंगे। नहीं दिया हो, दिया हो ना? ठीक है। अरे अकाउंट का क्या हुआ? देखो मेरी एक बात समझना, यहीं पे हो गया अमाउंट 1 GB का CD स्पेस स्लैश। हेलो सर, इसमें हम टी लगाते हैं सर, वो किस लिए लगाते हैं सर? किस में टी लगाते हैं? टी 0 टी 0 सर।
टारगेट ये समझ में आया, 20-20 एम बी की फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। तो किसमें किया है, ठीक ठीक है, डायरेक्ट उसके अंदर फाइल सिस्टम के अंदर, ठीक है। 261 एम बी फाइल किसमें आ गया, यूज्ड में, ठीक है। अब इसको यू माउंट करना आता है ना, यू माउंट का मतलब पता है ना, ठीक है। हमने यूएसडी रिवोकल डंप का काम किया था कि माउंटेड फाइल सिस्टम एंड अनमाउंटेड फाइल सिस्टम दोनों का बैकअप लेगा। तो यूएफएस डंप हाइफन 0 यूएफसी स्पेस स्लैश स्लैश डेप यूएफएस डंप 0 यूएफसी स्लैश डेप स्लैश डीएस। जैसे कोई ये तो आया नहीं, किसी को बुलाया तो नहीं हमने, है स्लैश डी। इसने क्या किया, इसने क्या बोला, डू यू वॉन्ट टू रिट्राई दी ओपन, तो ये क्या किया हमने, बैकअप लिया है। हाँ तो ये रिमूव हो गए, कमांड थोड़ा सा गलत चला रहा हूँ मैं। हाँ याद आया, आगे पीछे कर रहा हूँ, स्लैश टी डी एच के सिविल डिजिटल हिस्ट्री, ओके इसको भूल जाओ। मैं ट्रिप ड्राइव का पास दे दिया, ठीक है। ये उसने बैकअप लेना स्टार्ट किया, अभी कर रहा है बैकअप लेना स्टार्ट, डंप कर रहा है फाइल सिस्टम में, डंप में आर्काइव बना रहा है उसका। अच्छा देखो, डंप लेवल इज हो गया, ठीक है, बैकअप आया। अभी मुझे एक बात बोलो, mkdir स्लैश जे, ठीक है, cd स्पेस स्लैश जे ufs रिस्टोर हाइफन रिस्टोर की कमांड देखते हैं, ठीक है। हाँ हाइफन rvf रिस्टोर वर्बोस फोर्सफुली स्पेस स्लैश डेव स्लैश rmt स्लैश 0 स्लैश डेव स्लैश dsk स्लैश 0 0s। इस कमांड का मतलब ये UFS रिस्टोर रिस्टोर करेगा हाइफन आरबीएफ रिस्टोर वर्बोस फोर्सफुली, ये क्या है, जिसमें मैंने बैकअप लिया है, बैकअप पाथ मतलब बैकअप पाथ, और ये क्या है टारगेट, इस फाइल सिस्टम का लिया था। अच्छा हाँ, इसमें उल्टा है, आने लगा आने लगा नहीं आने लगा, यहाँ पे देखो वो बैकअप आएगा, पहले हटा दिया था ना, देख लो आपकी शरण में, उल्टा बोलते हो हमको अच्छा नहीं लगता। आ गया बैकअप, हमने क्या बोला, रिस्टोर सिम टेबल ऑटोमेटिक बन जाती है, बन गई, इसको डिलीट करना पड़ता है, कर दिया, पासवर्ड डाल, ओके समझ में आया, चेक है क्या तुम्हारा, ठीक है, ये समझ में आया। और सर पैकेज का बैकअप ले, पैकेज का बैकअप कैसे लेंगे सर, हम बैग को डिलीट कर देंगे उसकी फाइल का बैकअप ले लूँ ना पूरा, हाँ तो बताओ उसी उसी में जाके ले लूँ, जैसे इसका लिया है उसमें जाके, मतलब बैच को कॉपी मारोगे वहाँ से, तो सर ऐसे नहीं, वो पैकेज होता है, पैकेज का कोई बैकअप नहीं होता,
इतना दिमाग में खुला हुआ। बात करते हैं, ये एक वो एमटी स्पेस आईफोन है, लोकल ये मतलब टेप है नहीं है, अभी टेप ड्राइव में है नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे होती है। ठीक है, और क्या है इसमें, अभी देखो इसमें मंडे ट्यूसडे का बैकअप तो ले ही ले सकते, समझ रहे हो ना, तो क्योंकि काम ही नहीं करते हम लोग इतना। तो क्रोन टाइम में चलाना, हाँ क्रोन टाइम में चला, अरे क्रोन टाइम में चलाना तो स्क्रिप्ट डालोगे ना, स्क्रिप्ट बनाओगे पहले तो कैसे बनाए, बनाते हैं वो तो इसमें बोलेंगे। एक सेकंड, एक प्रैक्टिकल और मारते हैं उससे पहले। सी एच मोड स्लैश ओके, अभी एक प्रैक्टिकल और करके देख रहा हूँ, एक सेकंड में फाइल बना ली हमने, यहाँ पर डालो UFS TUMP टर्म स्पेस आईफोन 0FC स्पेस स्लैश बी, बी के अंदर क्या हो बाइक जीरो है या वो है, सॉरी जीरो है, जीरो UFC के अंदर क्या हो बाइकअप किसका, एल का क्यों, UFS डंप स्पेस आईफोन 0 UFC, UFS डंप बैकअप होगा, 0 UFC का मतलब फुल बैकअप होगा, किसके अंदर होगा, किस फाइल सिस्टम का होगा, S3 का। ठीक है, अब इसको CH मोड U+X का इसको परमिशन दे दो एग्जीक्यूट की परमिशन, M.SH किधर बनाई थी मैंने, ये रूट पे गई, समझ गए कैसे गई, नहीं समझे वो क्या, समझ में आ रहा है ना, परमिशन क्या है इसको, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, हां U+X M.SH Thank you.
नहीं हो रहा है, 777 दे दो एक। ठीक है अब क्या करेंगे, देखो वी नाम की कोई फाइल तो नहीं है ना रूट पे, नहीं है ना, और हमने क्या क्या किस नाम से बनाई है फाइल, वी के नाम से। डेट चेक कर लो कितना है, 13:09 मीन्स 10 बजे का देते हैं। फ्रंट है आईफोन ही, देखो पुट्टी पे कभी भी टर्मिनल नहीं चलता है, सबसे पहले हमें टर्मिनल को सेट करना पड़ता है। कैसे करोगे टर्न इक्वल्स टू VT100 export स्पेस टर्न क्रॉन टैब -e, ऐसे ही खुलता है क्या, ऐसा तो नहीं खुलता है। क्यों नहीं खुला ये, मुझे नहीं पता। ग्यारह, जब भी 11 मिनट हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाए क्या, sh space slash m dot sh। ठीक है क्यों हट गया, क्यों उठ रहा है मुझे नहीं पता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता क्यों उठ रहा। अरे यार शिट शिट शिट, sh m.sh। ठीक है यहाँ से जाओ फाइल पे, सेव एज, सेव इंडेड, सेव नीडेड, नीडेड और सेव। ठीक है अभी इसको कर दे यहाँ से क्लोज, क्रॉन्ट आईफोन एल आ गया। तेरे मिनट तो हो गए हैं, 12:19 पर वी नहीं बना हुआ, अभी अब देखो DO-SS/V का साइज चेक कर लो कितना आ गया, आ गया समझ में आया। अब देखो अभी हमने किस फाइल सिस्टम का लिया बैकअप, अनमाउंटेड फाइल सिस्टम, अब उसको माउंट करके बैकअप लें, माउंट करके कैसे लेंगे वो भी समझाता हूँ। टी पे माउंट कर लिया, ठीक है UFS dump -0UFC स्पेस वो नेम जिसपे हमें बैकअप लेना है स्पेस टी का, समझ में आया। अब माउंट करके बैकअप लेना है, यस सर दोनों में माउंट, और सर तब क्या
अरे अनमाउंट से डायरेक्टरी का बैकअप आएगा ओनली, और यू माउंट से किसका आएगा बैकअप? फाइल सिस्टम का। और अनमाउंट अगर सपोज दैट तुम्हारे पास कोई माउंट पॉइंट नहीं है और तुम्हें उस फाइल सिस्टम का बैकअप लेना है, कैसे लोगे? वो ऐसे लिया जाएगा उसके टारगेट के थ्रू, स्लैश डेव स्लैश D0D010 ऐसे लिया जाएगा। अब ये ऑलरेडी जब माउंट है तो मैंने क्या डाला सर? टारगेट नेम, माउंट पॉइंट नेम। मैं भी यही मिली थी, तूने बोला था बिल के लिए सर, उसको सर वो बिलास दे दो, उसको वहीं दिया थे ना, बिलास दे दे। ये तो माउंट पॉइंट हो गया ना टी। हाँ टारगेट, तो माउंट पॉइंट क्यों? अब हमने माउंट पॉइंट का तो बैकअप ले लिया। ठीक है, अब इसको रिस्टोर करना है तो रिस्टोर कैसे करोगे? देखो डायरेक्टिव बना ले डी, ओके पहले से नहीं है। UFS restore hyphen RVF RVF slash RVF slash T टी के अंदर क्यू, क्यू के अंदर लिया ना बैकअप, किसका लिया? टी टी का। होने लगा, समझ में आया? कोई डाउट? डाउट तो क्लियर करो जी, ये दो चीज के और बताऊं। हाँ प्रैक्टिकल करोगे तब आएगा समझ, बैकअप आया। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बोलो, पता है जब हम बैकअप लेते हैं तो वहाँ फाइल क्रिएट होती है, जो बी जे ये फाइल, ये फाइलें क्रिएट हुई, समझ में नहीं आया? सही तो बनाई थी ना, बैकअप लेके बनाई ना, बैकअप लेने के लिए बनाई। हाँ बैकअप ऑटोमेटिक बन गई, हमने बनाई नहीं। अभी देखो मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ, UFS dump ओके हाइफन जीरो UFC, किसका फुल बैकअप ले रहा हूँ मैं? टी का, मतलब उस फाइल को का, कोई सी ले लो, एच ले लो, एच में इसके अंदर बैकअप जाएगी, ऑटोमेटिक बनेगी ये टी का, तुमको लेने की बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बन जाएगी। अच्छा हाँ, बन गई, बन गई। अब ये इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब बात करते हैं कि रीस्टोर भी समझ में आया तुम्हें? आर रीस्टोर सिम टेबल का भी समझ में आया, जब रीस्टोर होता है तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, वो डिलीट करनी पड़ती है। हाँ समझ में आया। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो फॉर्मेट, मतलब फर्स्ट डिस्क का जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे एक प्लॉट है खाली, ये बना हुआ प्लॉट है, ये प्लॉट अच्छा ना, सिर्फ इस प्लॉट का स्ट्रक्चर कौन पे हो जाए इसमें, बाकी कुछ कौन पे नहीं, खाली स्ट्रक्चर, समझे ना? जैसे इसमें जितने मेम्बर रहता वो मेम्बर ना, खाली स्ट्रक्चर कौन पे हो जाए इसमें। अच्छा ठीक है, और स्ट्रक्चर को कैसे कॉपी करते हैं? वो PRT BTUC कमांड होती है। ठीक है, PRT BTUC का मतलब होता है प्रिंट वॉल्यूम टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, अभी देखो हम बात करते हैं कि जीरो इसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, कौन सी डिस्क का? जीरो वाली का, ये खाली होगी, खाली है ये, बट बराबर से सेम उसकी है, सेम साइज की। ठीक है, सेम साइज की है या नहीं है? सेम साइज की थी ना, नहीं दिखाई दे रहा है। C0D0 कितने जीबी का है? 85। C0D1 कितने का है? 85। ठीक है, इक्वल का है। अब मैं चाहता हूँ कि ऑनली स्ट्रक्चर कॉपी करना, PRT BTOC slash dev
प्लस आरडीएस के 30 D0 S2 S2 के अंदर क्या रहता है मुझे बताओ। सब फाइल सिस्टम, मतलब जो सिस्टम की फाइल होती है। हाँ ठीक है। हाइफन एस, ये सिंटैक्स है RDS के स्लैश C0 D0। सर एस क्या है? सिंटैक्स है S2 C0 D0 C0 कंट्रोल 0 डिस्क 0 S2, मतलब S2 के अंदर फुल बैकअप रहता है। हो गया साउंड ओपन आपका? और T1 डिस्क वन के अंदर भी फुल बैकअप रहता है। ठीक है, मतलब डिस्क वन में डाल रहा है फॉर्मेट। ये समझ में आया? मतलब सेकंड डिस्क में स्ट्रक्चर आ गया? आ गया नहीं आ गया? सर हमने जीरो का फर्स्ट में कर दिया है। नहीं, फुल बैकअप किसके अंदर रहता है? सेकंड। तो सेकंड को चूज किया और फिर सेकंड का फर्स्ट में डाल दिया। जीरो फर्स्ट का सेकंड में जीरो PRT वीडियो से स्लैश डेव स्लैश RDSP C0 D0 S2 FMT कार्ड C0 D0 C0 D1 सेकंड है C0 D0। ठीक, इसका स्ट्रक्चर किसमें कॉपी कर दिया? ठीक है, अब तब तक तुम 10 मिनट करो, मैं आता हूँ। नीचे ही चलाया? नहीं नहीं, आता हूँ 10 मिनट में। बताओ टाइम।